तो यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब, हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मिस्टर गो के चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ बैंगलोर की तरफ, बैंगलोर में मेरी एक फ्रेंड है तो उनसे भी मिलना है। काफ़ी पहले उन्होंने मैसेज किया था कि जब भी आओ साउथ की तरफ, बैंगलोर की तरफ आओगे तो हमसे भी मिलने ज़रूर आना। तो मैं एक या दो दिन के लिए जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, फिर वापस मुझे यहीं पुथापर्थी आना है, क्योंकि जो भैया है उनके बेटे का ऑपरेशन होने वाला है। तो ऑपरेशन होने की वजह से मुझे फिर वापस आना पड़ेगा यहीं पर। तो अभी फ़िलहाल मैं रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, रेलवे स्टेशन के बाहर अभी अंदर गया था टिकट लेने के लिए, तो 500 रुपये का नोट दिया हमने, हमारे पास भी चेंज नहीं था। तो वहाँ पर जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ था वो कह रहा कि हमारे पास चेंज है नहीं, तो आप ऐसे चले जाओ और वहाँ पर पेनल्टी देना। मतलब हम तो पैसे दे रहे, पैसे देने के बाद भी वो बंदा हमें टिकट नहीं दे रहा है। वो तो इनकी ड्यूटी है कि मतलब पैसे देने के बाद टिकट दे। अब कोई छोटा मोटा दुकान होता तो अलग बात है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और कस्टमर पैसे पे कर रहा है फिर भी उसके बाद हमें सुनना पड़ रहा है। बाकी ये देखते क्या होता है। बाकी चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ 500 के छुट्टे करवाने। तो अभी अब पीछे पूछा था कि मतलब काम मिलेगा चेंज करके, तो कह रहे कि यहीं पर मिल जाएगा करके। कैसे कैसे लोग हैं यार, तो मैं हैरान हूँ कि मतलब भाई वो बंदा रेलवे स्टेशन के काउंटर में बैठकर कह रहा कि भाई हमारे पास चेंज नहीं है, चेंज करके लाओ, कहाँ 80 रुपये के चक्कर में 500 का छुट्टा कराऊंगा, ये सुनने को मिल रहा है। कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो ठीक है, फिर भी अब ढूंढते हैं, कुछ खरीदना पड़ेगा तभी चेंज मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है हमारी, पूरे 2 घंटे लेट थी ट्रेन, तो बैठ चुके अब हम। ये KSR बैंगलोर तक जाएगी, तो अभी वहीं तक जा रहे। तो कह रहे कि मतलब टोटल 4 घंटे लगेगी उत्तरप्रदेश से बैंगलोर तक, अब देखते कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं बैंगलोर पहुंच चुका हूँ, तो आंटी अंदर बैठी हुई है। तो अब मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, फिर आंटी की रात के 12 बजे की ट्रेन है, तो आंटी को वेटिंग हॉल में बिठा के अब मैं निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। अब थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगा बाहर जाके, तो चलो बाहर ही मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैंने दोस्त को कॉल किया था, अपनी फ्रेंड को, लेकिन अभी आई थिंक बिजी होगी वो, तो कॉल नहीं उठाया। तो तब तक मैं बाहर निकलता हूँ और जहाँ पर उसने लोकेशन भेजा है उसी लोकेशन पे पैदल ही चलता हूँ जब तक वो फ़ोन नहीं उठाता। बाकी आप देख सकते हो पीछे इस तरीके का बेंगलोर का ये SMBT रेलवे स्टेशन है। बाकी आप बाहर निकलता हूँ, एक टी स्टॉल देखता हूँ, टी स्टॉल में टी वगैरह पीऊँगा, तब तक क्या पता वो कॉल भी उठा लेगी। तो चलिए बाहर ही मिलते हैं। तो दोस्तों फिर मैं हाईवे से में आ चुका हूँ, जो लाइव लोकेशन था वो गलत हो गया था, तो मैं दूसरी जगह पे चला गया। तो मुझे जाना है कोलप्पा सर्कल कमर नहाली, तो फ्रेंड कह रही है कि वहाँ से ऑटो ले लो और ऑटो वाला सीधे आपको सर्कल पर पहुँचा देगा। तो अभी एक ऑटो को रोकता हूँ। अब यही होता है ना किसी मतलब मुझे तभी मतलब सिटी एरिया इतना पसंद नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, और बैंगलोर मेरा फर्स्ट टाइम है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। यहाँ से ऑटो तो मिल गया मुझे सर्कल तक, फाइनली अब पहुँचने वाला हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था, ऊपर से गूगल ने भी गलत रास्ता बता दिया था मैप ने। तो अब ऑटो लेकर सीधा सर्कल पर पहुँच रहा हूँ, वो वहीं पर आऊँगी, वहीं जाके मिलते आपसे भी। तो दोस्तों मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड मुझे लेने आ रहे, तो यहीं पर रुका हुआ अभी मदर मैरी के स्टैचू के सामने। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है उनको, बोला कि मतलब 5 मिनट्स के बाद वो पहुंचेंगे नहीं तो मुझे कॉल करना करके, रुके हुए हैं यहीं पर। काफ़ी प्यारा बना रखा ना यहाँ पर, पूरा सजा रखा है, तो देख सकते हो आप, वाओ बहुत ही प्यारा लगा ये ना। क्लोजअप में ये यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कैंडल वगैरह भी जला रहे। तो ये है हमारी मदर मैरी,
फाइनल गाइस हमारे ब्रदर भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो बहुत ही कंफ्यूजन था यहाँ का, मतलब जगह जगह पे गलियाँ है, जगह जगह पे चीज़ें हैं, तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। बाकी अब जाते सीधे रूम पे, बहुत ही ज़्यादा थक गया हो क्योंकि 4 घंटे का ट्रेन का सफ़र था, और अभी जाके थोड़ा बैठते हैं, तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली दोस्तों अब मैं रूम पहुंच चुका हूं, तो यहां पर हमारे फ्रेंड है, तो उन्होंने कुक कर रहे थे, तो मैं मीट तो खाता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि यार आप आओगे, तो मैं मीट बना रहा था, तो मैं मीट तो खाता हूं नहीं। तो बाकी अभी रूम पे पहुंच गया हूं फाइनली, बहुत कंफ्यूज होने के बाद। बाकी अभी नानी के लिए जा रहा हूं, नानी के बाद फिर भाई ब्रदर कह रहे कि मतलब थोड़ा सब्जी देखने जाते हैं, तो बाकी तक स्टे। तो फाइनली दोस्तों जो मेरी फ्रेंड है वो रूम पे आ चुकी है, से हाय। तो इन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था, तो इन लोगों ने सोचा कि मैं मीट वगैरह खाता हूँ, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो बेचारी ने मेरे लिए ये आलू का बनाया, मतलब आलू का डिश है, तो बना दिया था। तो अभी हम डिनर के लिए बैठे हुए हैं, डिनर करते हैं, और कह रहे कि मतलब मैं सिर्फ वन डे के लिए हूँ क्योंकि परसों फिर मुझे वापसी जाना पड़ेगा, तो वो कह रही यार हम सब एक हफ्ते तो रुका करके, सभी लोगों ने बोला लेकिन मैं रुक नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मेरी नेक्स्ट जर्नी होगी उस टाइम आऊँगा, इनको पहले भी बोल के रखूँगा मैं इस डेट को आऊँगा। तो बाकी तब तक से क्यों क्या हस्बैंड है से हाय। तो यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। तो बाकी डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद सीधे सुबह मिलते हैं। आई थिंक सुबह ब्रदर कह रहे कि चर्च जाना है, तो चर्च भी जाएंगे। तो फाइनली गाइस आज 31 दिसंबर है, तो अभी यहाँ पर हम भैया लोग हैं, तो सब के सब मणिपुर से हैं। तो बाकी यहीं पर इनके यहीं पर रुका हुआ हूँ मैं, जो मेरी फ्रेंड है वो उनका हस्बैंड, बाकी सारे के सारे फ्रेंड है, यहाँ ब्रदर भी है जो कल मिले थे। तो बाकी अभी 31 के लिए अभी चर्च के लिए लेके जा रहे हैं मुझे, तो मुझे भी देखना था क्योंकि जितनी बार 31 मैंने मनाया आज तक कभी भी इस तरीके से नहीं मनाया, ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ, तो आज पहली बार मतलब एक ग्रुप के साथ 31 एंजॉय करने जा रहा हूँ, बाकी तब तक जाके दिखाऊंगा, स्टे ट्यून। तो फाइनली दोस्तों हम चर्च से वापस आ चुके हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैक्सिमम मणिपुर लैंग्वेज में था, तो थोड़ी देर मैं अंदर बैठा फिर मैं बाहर आ गया था क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं बाहर आया वहाँ पर एक अंकल आए और मुझे एक रिसीप दिया, मतलब एक वर्स है प्रॉमिस का जो आई थिंक बाइबल में लिखा है, तो ये मुझे दिया उन्होंने, और मुझे मैं देखता रहा कि मैं मतलब ऊपर देख रहा था तारों को, तो बाकी अंकल आए के बाद ये दिया, फिर बाकी मुझे समझ में तो आया नहीं क्या था, लेकिन अब ढूंढूंगा इसका मीनिंग। बाकी यहाँ पर हमारे सभी लोग हैं, तो यहाँ पर बाकी हम यहीं पर रुके हुए हैं, तो बाकी आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, मैं दिस 2023 ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, बाकी मैं इंजॉय को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने रूम पे रहने दिया 2 डेज के लिए। बाकी यहाँ पर भाई लोग भी है, तो अब इनको बाय बाय कहने का मौका आ गया है क्योंकि ना धो के मैं रेडी हो चुका हूँ, और रात को आई थिंक 2 बजे के करीब हम रूम पे आए थे। बाकी मेरा 31 दिसंबर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा बना दिया, थैंक यू फॉर डैट। बाकी चलिए आप निकलते हैं, बाकी वो दोनों तो सो रखे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि वर्क करते हैं, तो नींद से जगाना बेकार है। बाकी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब अच्छे से प्लान बना के आऊँगा, तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों बैंगलोर का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, बाकी मैं पहुँच चुका हूँ पुट्टपर्थी में फिर से, तो होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो बाकी मैं बोलूँगा नहीं, आपकी जो इच्छा हो, लाल कलर का बेल आइकॉन दबाना ही है नहीं दबाना नहीं है दबाना ही है, तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो,
और ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।